कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए। बृजभूषण शरण सिंह और WFI के एक अन्य कर्मचारी के ऊपर आरोप तय हुए हैं, जिनमें से छेड़छाड़, स्टॉकिंग जैसी धाराओं पर यह आरोप तय हुए हैं, जिनमें करीब एक साल से कम एक साल और अधिकतम 5 साल तक की सजा हो सकती है। यानी बृजभूषण शरण सिंह के पास अब सिर्फ 21 मई तक का समय बाकी है, क्योंकि 21 मई के दिन इन पूरे आरोपों पर सजा सुनाई जाएगी और सजा सुनाए जाने के बाद अब यह तय हो जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह कितने दिन के लिए जेल जाते हैं या नहीं। दरअसल जिन धाराओं पर आरोप तय हुए हैं 354, इसके अलावा 506, यानी एक तो छेड़खानी और दूसरी गाली गलौज करने, इन दोनों धाराओं में आरोप तय हुए हैं, जिनमें से 354 यानी 354 धारा 354 में मैक्सिमम 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा न्यूनतम जो सजा है वो 1 साल है, यानी 1 साल से ऊपर की सजा हो सकती है और बृजभूषण शरण सिंह को जेल जाना पड़ सकता है। 21 तारीख को इस पर फैसला आएगा। हालांकि सरकारी वकील ने क्या कुछ कहा है पहले उसको सुनिए। फाइनली लर्नेड ACMM राउज एवेन्यू कोर्ट हैज गिवन द वर्डिक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ फ्रेमिंग चार्ज एंड एज पर द ऑर्डर विच आई कुड हियर इन द कोर्ट इटसेल्फ एक्यूज श्री बृजभूषण शरण सिंह हैज बीन चार्ज ऑर्डर टू बी चार्ज फॉर ऑफेंसेज ऑफ 354A 506 पार्ट 1 IPC whereas co-accused विनोद तोमर जी हैड बीन ऑर्डर टू बी चार्ज फॉर ऑफेंसेज ऑफ 506 पार्ट 1। सर देयर इज अ एलिगेशन ऑफ अबेटमेंट व्हिच हैज बीन ड्रॉप्ड एंड सर वन विक्टिम आल्सो मेड सिक्स्थ विक्टिम देयर रिजोल्यूशन आल्सो गॉट सो द ओवरऑल इट हैज टू बी लुक्ड इनटू बट एज ऑफ नाउ The 354, that is the gravest offense for which he was charged, in that very order, he had been ordered to be charged. What next, sir? Next to the framing of charge, this is fixed for 21st of May of this month. आपको बता दें कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे, बकायदा दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के धरना दिया था, जिसमें से बड़ी बड़ी विनेश फोगाट जैसी पहलवान शामिल हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इसके अलावा साक्षी मलिक भी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाने वालों में से एक थी। इसके अलावा कुछ अन्य लड़कियां भी थी। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने इस पूरे प्रकरण को राजनीति से प्रेरित बताया था और ये कहा था कि कुश्ती संघ की ये लड़ाई है और कुश्ती को लेकर के भी ये पूरी जद्दोजहद, लेकिन अब उनके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं और बृजभूषण शरण सिंह को जेल जाना ही होगा। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह के पास अभी भी यहां सजा सुनाए जाने के बाद उच्च अदालत का रास्ता खुला रहेगा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी वो बाद में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और उनके ऊपर सजा का फंदा लटक रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।